नमस्कार, बीएससी सेकेंड ईयर। चलिए बेटा, आपकी क्लास शुरू करते हैं। और आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं, आपके यूनिट 4 का अंतिम टॉपिक है। और इसके बाद इस चैप्टर में दो टॉपिक्स हैं हमारे पास, मोशन ऑन स्मूथ प्लेन यानी चिकने समतल पर गति, और इसी तरीके से रुक्ष समतल यानी कि रफ प्लेन कर्व्स पर गति। इस ये जो हमारा जितनी प्रॉब्लम्स हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, उसमें कोई भारी कण होगा जो किसी कर्व पर मोशन कर रहा होगा। जैसे मान लीजिए एक तार है और इसके ऊपर एक मनका है या मोती है, वो यदि गति कर रहा है, तो ये एक प्रकार का हमारा मॉडलिंग हो गई इस स्थिति की, कि ये एक एम द्रव्यमान का कण है और ये एक कर्व है, ये वक्र है या कर्व है जिसपे ये गति कर रहा है। तो यदि हम इसको स्मूथ मान के चल रहे हैं, इसको कैसे मान के चल रहे हैं, स्मूथ या चिकना मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पर जो घर्षण होगा वो शून्य मान के चलेंगे। घर्षण को क्या मान लेंगे, शून्य मान लेंगे। और इसी तरीके से रुक्ष समतल यदि है तो वहां पर घर्षण जो रहेगा वो प्ले करेगा और उसको हम क्या मानेंगे, म्यू मानेंगे। तो दो कंडीशन देखनी है हमको, एक में जब घर्षण जीरो है और एक में जब घर्षण क्या है, म्यू के बराबर है। तो ये दोनों जो अलग अलग केसेस हैं उनको हम इन दो दिनों में डील करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको बना के देखते हैं। इसका एक पहला प्रमेय है जो कि गति को हमको डील करना रहेगा, नाम से आएगा ये, और किस तरीके से आएगा उसको हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। चलिए प्रमेय, यदि कोई भारी कण एक ऊर्ध्वाधर चिकने वक्र पर गति करता है तो इस गति की व्याख्या कीजिए। यानी हमको गति का समीकरण लाना है और उसको बताना है कि वो गति किस प्रकार करेगा, उपपत्ति या प्रूफ। एक बेसिक फिगर बना लेते हैं, ठीक है, ताकि हम सही ढंग से इसको डिस्क्राइब कर पाए। यह हमारा वक्र हो गया इस तरीके से गति करता हुआ, किसी बिंदु पर हम डालते हैं स्पर्श रेखा, यह स्पर्श रेखा हो गई, और जहां पे ये स्पर्श रेखा काट रही है उसको हम ले लेते हैं बिंदु P, ओके। फिर इसको भी हम दो भाग में वियोजित कर सकते हैं और तीन हमारा टोटल वैल्यूज आएंगी। ये है हमारा चाप A से शुरू हो रहा है, बिंदु P तक हमारा जा रहा है, इसको भी हम दो भाग में वियोजित कर सकते हैं। यहाँ पर क्या लग रहा है, साई, ठीक है, ये कोण है, ठीक। फिर समांतर अक्षों के समांतर घटक जब हम निकालेंगे तब ये इस तरीके से निकलेंगे, ये हमारा y घटक हो गया, इसी तरीके से हम x घटक बनाएंगे,
कोशिश करके चित्र बिल्कुल सही सही बनाना है, घबराइए नहीं इसमें। एक्स घटक और वाई घटक और एक्स घटक, फिर इसी तरीके से ये भी एंगल जो रहेगा, चूंकि पैरेलल हमने लिया है इसलिए ये एंगल भी कैसा रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, किसके बराबर, साई के बराबर। ठीक है, अब इसका एक रिजल्टेंट फोर्स रहेगा, बल के घटक का एक रिजल्टेंट फोर्स रहेगा इस तरीके से, जिसको हम किससे दिखाएंगे, इसको हम दिखाएंगे आर से। ठीक है, जो दूरी है वो चापीय दूरी कितनी है, एस है, यानी एस और साई के रूप में ये हमारा पूरा सेटिंग रहेगी। ये जो बल लग रहा है वो किसके बराबर लग रहा है, टी के बराबर, ये हम मानेंगे स्पर्श रेखीय बल है। ठीक है, हमने स्पर्श रेखीय और अभिलंबी त्वरण पढ़ा है, उसी उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर हम यूज करने वाले। ओके, तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। हमारा काम क्या रहेगा कि हम यहाँ पर ऊर्जा या कण का जो पथ है उसको हम यहाँ लाने की कोशिश करेंगे, और किस पे डिपेंड करती है उसकी ऊर्जा, गति की जो गतिज ऊर्जा है या स्थितिज ऊर्जा है वो किस पे डिपेंड करती है, वो यहाँ बताने की कोशिश हमको करनी। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते जाएं। जो हमने फिगर बनाया उसको डिस्क्राइब कर देते हैं। ये हो गया वाई, ये हो गया ओ, ये हो गया एक्स। ओके, माना माना ओ मूल बिंदु है, ठीक है, चाप ए बी के अनुदेश एम द्रव्यमान का कण गति कर रहा है, टी समय के पश्चात इसकी स्थिति पी एक्स वाई है। ठीक है, इसकी स्थिति पी एक्स वाई है, ठीक है, जहां ए से पी की चापीय दूरी स्मॉल एस है। ठीक है, ए से पी की दूरी कितनी है, स्मॉल एस। ठीक है, फिर अब नीचे का हम डिस्क्राइब करेंगे। माना बिंदु पी पर कण का वेग वी है, वेग वी है, तथा क्रिया बलों के अक्षों के समांतर वियोजन कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई हैं, यानी एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट क्या है, कैपिटल एक्स, और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट क्या है, कैपिटल वाई। साथ ही साथ ही पी पर अभिलंब प्रतिक्रिया आर से दर्शाई जाती है, बिंदु पी पर स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के साथ साई कोण बनाती है। ठीक है, ये हमारी बेसिक सेटिंग होगी। ठीक है,
अविस्पर्श रेखीय और अभिलंबीय जो हमारे बल रहेंगे उसको हम किस प्रकार से वियोजित करेंगे? P पर स्पर्श रेखीय बल वियोजन या घटक, स्पर्श रेखीय बल घटक क्या होगा? एम वी डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स कॉस साई प्लस वाई साइन साई फर्स्ट, ठीक है। और इसी प्रकार से पी पर अभिलंब बल वियोजन या बल घटक एम वी स्क्वायर अपॉन रो इज इक्वल्स टू आर माइनस एक्स साइन साई प्लस वाई कॉस साई, ये दूसरा हो गया, ठीक है। तो एक से हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं। जो कॉस साई है वो हमारा क्या होगा, डी एक्स बाय डी एस, और जो साइन साई है वो हमारा क्या होगा, डी वाई बाय डी एस, ठीक है। क्योंकि कॉस साई इज इक्वल्स टू डी एक्स बाय डी एस, चाप में डिफरेंस एक्स एक्सिस का, और इसी प्रकार से साइन साई किसके बराबर होता है, वाई में डिफरेंस चाप के अनुसार, ठीक है। क्योंकि हम एक्स और वाई को कैसा दिखाते हैं, आर कॉस थीटा, और वाई को कैसा दिखाते हैं, आर साइन थीटा। तो वही चीज हम क्या ले रहे हैं, एस के लिए ले रहे हैं, चापीय डिस्टेंस के लिए ले रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या आता है, फॉर्मूला आता है। इसको यहाँ रखने पर एक में एक से आपको क्या मिल जाएगा, एम वी डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स डी एक्स बाय डी एस, डी वी बाय डी एस ही है, प्लस वाई डी वाई बाय डी एस। तो डी एस डी एस कैंसल हो गया, यहाँ पर आपको मिल जाएगा एम वी डी वी इज इक्वल्स टू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो समाकलन करने पर ये हो जाएगा एक बटा दो एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस सी, जहाँ पे सी क्या है, समाकलन का नियतांक, ठीक है। अब ये जो है, ये जब भी इस टाइप का फलन आता है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, ये पूर्ण अवकलज कहलाता है, ठीक है। ये पूर्ण अवकलज कहलाता है, और इसको हम क्या मान सकते हैं, फाई एक्स वाई, ठीक है। इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेशन को ये मान सकते हैं, इसको बोलते हैं पूर्ण अवकलज। इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण अवकलज। यदि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, कौन सा, यथातथ्य अवकल समीकरण पढ़ा होगा, तो उससे ये कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो यहां से हम इसको रख सकते हैं, इसको हम रख सकते हैं ये, वन बाय टू एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी एक्स बाय डी वाई, और इसके बदले ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा डेल साई बाय डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल साई बाय डेल वाई डी वाई प्लस सी, ठीक है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं डी साई प्लस सी, यानी कि हमको मिला एक बटा दो एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू साई प्लस सी,
ठीक है, जहाँ पे साई किस पे डिपेंड करता है, एक्स वाई पे। ये है हमारा इक्वेशन 3, और ये किसको दिखाता है, ये है हमारी कण की, गतिमान कण की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को दिखाता है। और ये किस पे डिपेंड करती है, कण की स्थिति पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, साई एक्स वाई। ठीक है, अब फिर से अब हम क्या निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। ओके, स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सी का मान हमको चाहिए, ठीक है, सी का मान हमको चाहिए, सी हट जाना चाहिए यहाँ से क्योंकि कांस्टेंट का हमको वैल्यू नहीं मालूम है। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि बिंदु एक्स जीरो वाई जीरो प्रारंभिक स्थिति है तथा u प्रारंभिक वेग है, तब तीन से क्या मिलेगा, एक बटा दो एम यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू फाइव एक्स जीरो वाई जीरो प्लस सी, ये है 4। तो माइनस करने पर 3 माइनस 4, तो यहाँ से मिलेगा एक बटा दो एम वी स्क्वायर माइनस एक बटा दो एम यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू फाइव एक्स वाई माइनस फाइव एक्स जीरो वाई जीरो, सी और सी क्या हो जाएगा, कैंसल। ठीक है, नंबर 5। अब इसको देखिए कि ये जो समीकरण है, ये जो कण का पथ है उससे स्वतंत्र है। उपरोक्त समीकरण कण के पथ पर निर्भर नहीं करता, कण के पथ पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात यह मान समान रहेगा चाहे वक्र कोई भी हो। ठीक है, तो इसको आपको अलग क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है, क्वेश्चन में यह आ सकता है, दर्शाइए कि एक चिकने समतल वक्र पर गतिमान कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन केवल कण के प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है, न कि वक्र के प्रकार पर। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है और आपको सेम चीज प्रूफ करनी है। ठीक है, अब चूंकि अब दोनों साइड को देखिए, चूंकि
समीकरण पांच का बायां पक्ष यानी क्या LHS गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है, तथा 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 दायां पक्ष कण को x0 y0 से xy तक लाने में किया गया कार्य है, अतः पांच को निम्न रूप में लिखा जा सकता है ये भी याद रखिए, एज अ क्वेश्चन आ सकता है, दर्शाइए कि कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर बाह्य बलों द्वारा किया गया कार्य। ये जो समीकरण है ये कहलाता है ऊर्जा समीकरण, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ऊर्जा समीकरण। और ये जो बल लगते हैं जिसमें बल इस नियम का पालन करते हैं कि जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है वो कार्य के बराबर हो जाता है, इनको हम बोलते हैं संरक्षी बल या कंजर्वेटिव फोर्सेस। ऐसे बल को हम क्या कहते हैं, संरक्षी बल या कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, इनको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। चलिए एक रिलेटेड और टॉपिक इसमें पूछता है, नाम से ही आएगा ये, और ये कहलाता है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, बाकायदा नाम से आएगा, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लिखिए और सिद्ध कीजिए, तो आपको ये बनाना है, ठीक है। प्रमेय का जो कथन है वो इस प्रकार से है, जब कोई कण या कणों का निकाय संरक्षक बल निकाय के अंतर्गत गतिशील हो तो उनकी गतिज तथा स्थितिज ऊर्जाओं का योग
का योग अचर रहता है। यानी एक यदि बढ़ रही है, मान लीजिए गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो धीरे धीरे स्थितिज ऊर्जा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा क्या होती जाएगी, कम, और दोनों हमेशा कैसे, दोनों का एडिशन हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो हमको अभी मालूम है, हमको दो चीजें मालूम है। सबसे पहले जो हमने अभी प्रूफ किया था वो हम लिख देते हैं। आपको यहाँ पर इस प्रमेय का आपको ये देना है जो हमने अभी प्रूफ किया था, ये वाला पूरा जो प्रमेय है कहाँ तक, इक्वेशन 5 तक, वो यहाँ डालना है आपको। इक्वेशन 5 से हमको क्या मिला हुआ है, इक्वेशन 5 से वो यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, ओके। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम क्या निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे यहाँ पर। ओके, तो स्थितिज ऊर्जा आप 5 से यहाँ तक, 5 तक यहाँ पर आपको यहाँ पर ऐड करना है, ऐड करना है प्रूफ को। वो प्रूफ आपका यहाँ पर ऐड होना चाहिए पूरा पूरा। ठीक है, ऐसा नहीं कि जितना बुक में दिया है उसको लिख दिए बस, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, है ना। आपको यहाँ पर वो चीज़ डालनी है। फिर स्थितिज ऊर्जा हम निकालेंगे, यहाँ से गतिज ऊर्जा मिल गई आपको। अब स्थितिज ऊर्जा तो ये बराबर होती है किया गया कार्य मानक स्थिति एक्स डैश वाई डैश तक लाने में किया गया कार्य। तो ये किया गया कार्य हम कैसे निकालते हैं, लिमिट तो हमारी एक्स डैश वाई डैश है, और क्या होता है भाई, xdx + ydy। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिखे थे वहां पे कि ये मानक रूप है, ये एक यथातथ्य समीकरण है, तो ये इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा, xy और लिमिट हमारी आ जाएगी xy से x-y, यह जाएगा आपका phi x-y-phi xy, स्थितियों का डिफरेंस। देखिए स्थिति ऊर्जा कैसे आ रही, जो स्थिति है उसमें डिफरेंस के बराबर आ रही, ठीक है। और इसी तरीके से जो गतिज ऊर्जा होती है वो हमने कैसे निकाली थी, गतिज ऊर्जा ये है हमारी स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का मैंने आपको बोला था यहाँ पूरा आपको प्रूफिंग देनी, तो गतिज ऊर्जा कैसे निकली थी, गतिज ऊर्जा हमारी निकली थी के ई, ये है पी ई, निकली थी फाई एक्स वाई प्लस सी। ओके, अब दोनों को जोड़ते हैं हम, नंबर 2 1 + 2 से पीई प्लस के ई इज इक्वल्स टू, तो फाई एक्स वाई क्या हो गया, कैंसल, यहाँ गया x-y-plus c, और दोनों ही कैसे हैं, कांस्टेंट हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया, अचर, ये क्या है, एक। यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा कैसा आता है, कांस्टेंट आता है। ये है हमारा समीकरण, किसका, ऊर्जा संरक्षण का समीकरण। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पहले जो दो थ्योरम हैं वो हमने यहाँ पर आज प्रूफ किए हैं। तो आपका अब काम है कि इसको अच्छे से एक बार और रिवाइज करेंगे, दोनों समीकरणों को प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। आप ये पूरा का पूरा एज अ थ्योरम आप मान के चलिए कि ऊर्जा संरक्षण का प्रमेय है जो हमने आज पढ़ा है पूरा पूरा, उसको पूरा का पूरा ही आपको यहाँ पर बना के दिखाना है। यदि क्वेश्चन आता है ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए और सिद्ध कीजिए तब, ठीक है। अब कल के जो चैप्टर है उसमें इससे रिलेटेड कुछ सवाल देखेंगे, और फिर हम उसी को एक्सटेंड करेंगे किसमें, रुक्ष समतल वक्र पर गति, यानी कि एक रफ
प्लेनर कर्व है उस पे गति यदि हमारी होती है कण की, तब वो किस प्रकार बिहेव करता है, क्या वहां पर संरक्षण का सिद्धांत कार्य करता है या नहीं करता, वो चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसको एक बार और रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू।